मार्च शुरू हो चुका है और अगले दो महीने के अंदर देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर देश का सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। साल 2014 की तरह ही फिर से देश में मोदी लहर देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोटरों को लेकर भी अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। आज मुस्लिम वोटर्स सिर्फ वोट बैंक नहीं है, पिछले एक दशक में उन्होंने देश की राजनीति को एक नया रूप दिया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बात आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह गर्म है। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल अपनी कमर कसकर मैदान में उतरने को तैयार है। राजनीतिक दलों ने चुनावी सभाओं के जरिए जनता से सीधा संवाद भी शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार मुस्लिम वोटरों का मूड कुछ अलग ही कहानी बयान कर रहा है। जिस तरह देश तेजी से बदल रहा है, उसी तरह मुस्लिम वोटरों का मिजाज भी। एक वक्त ऐसा था जब मुस्लिम वोटर किसी उलेमा या धार्मिक गुरु के कहने पर थोक में मतदान किया करते थे, लेकिन आज युवाओं से लेकर महिलाओं तक और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई अपनी अलग सोच, अपना अलग नजरिया रखता है और सियासत की राह पर अपने मूड के हिसाब से चलना चाहता है। मुस्लिम वोटर्स को लेकर एक कहानी उलेमाओं के बीच काफी फेमस है और वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई की किताब लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजंस में भी इसका जिक्र है। दरअसल 70-80 का दशक था, इमरजेंसी लगाने की जो सजा है वो इंदिरा गांधी भुगत रही थी, काफी परेशान थी। सत्ता और ताकत दोनों हाथ से जा चुके थे, जिसे वापस पाने के लिए वो छटपटा रही थी। वक्त 1990 के आम चुनाव का आया तो एक मौलाना ने उन्हें 350 से ज्यादा सीटों की जीत का भरोसा दिलाया, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी। उन्हें जीत की बात तुरंत मौलाना को अपने पास बुलाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ महीनों बाद इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। इंदिरा गांधी डिप्रेशन में थी, तब उन्हें मौलाना की याद आई और उन्हें वापस बुलाया। मौलाना ने उनसे पूछा कि उन्होंने कमरे में लगाए गए तावीज को हटाने के लिए उन्हें क्यों नहीं बुलाया था। उन्होंने इंदिरा गांधी को चेतावनी दी कि उन्हें तुरंत नमाज पढ़कर अपनी गलती सुधारनी होगी। अब डरी हुई इंदिरा गांधी ने ऐसा ही किया। तो उस वक्त का यह किस्सा बताता है कि आजादी के बाद से दशकों तक भारत के मुख्य राजनेताओं और उलेमाओं के बीच कैसा जटिल रिश्ता रहा है। कहा यह भी जाता है कि 80 के दशक में शाही इमाम के फतवों से ही सियासत तय होती थी। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द प्रिंट के मुताबिक दिल्ली के शाही इमाम के प्रसिद्ध फतवों ने लोगों के मन में यह छवि बनाई थी कि उलेमा मुसलमानों को किसी खास पार्टी को वोट देने के लिए उकसाते हैं, लेकिन असलियत में उलेमाओं का देश के बड़े नेताओं और राजनीतिक दलों के साथ काफी पुराना रिश्ता है। भारत के लगभग 20 करोड़ मुस्लिम समुदाय के वोटों पर उनके प्रभाव की कहानी राजनीतिक फतवों से कहीं ज्यादा जटिल है। कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स की माने तो भारत के मुसलमानों के बारे में सबसे बड़ा मिथक ये है कि हर चुनाव में उनके वोट को फतवों और उलेमाओं के आह्वान से प्रभावित किया जाता है। चुनाव दर चुनाव मुस्लिम वोट बैंक के मिथक को बढ़ावा दिया गया, जिसके अनुसार पूरे देश में मुसलमान एकजुट होकर एक ही समुदाय के रूप में वोट करते हैं। उलेमा अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए मुस्लिम वोटर्स को उकसाते थे और उनका संचालन किया करते थे, लेकिन पिछले 10 साल में मोदी शासन में मुस्लिम राजनीति के मूलभूत रूप से बदलाव आया। जी हाँ, जो एक तरह से मुस्लिम राजनीति थी उसमें मूलभूत तौर पर बदलाव आया और उलेमाओं की भूमिका में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। दावा यह भी है कि कुछ दशकों पहले तक उलेमा काफी सम्मानित लोग हुआ करते थे। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और स्थानीय विधायकों से लेकर नेता तक हर कोई चुनाव से पहले उनके साथ देखा जाता था। उम्मीद ये होती थी कि ये धर्मगुरु अपने अनुयायियों के सामने पार्टी या फिर उम्मीदवार के बारे में कुछ अच्छा कहेंगे। हालांकि अब भी राजनीतिक दल चाहते हैं कि धर्मगुरु उनके लिए चुनाव प्रचार तो करे, लेकिन चुपके से। नेता लोग आज सार्वजनिक रूप से धर्मगुरुओं के साथ दिखना नहीं चाहते। बात करें आजादी के बाद के पहले दो दशकों की, यानी 1970 तक कांग्रेस का जो वर्चस्व था वो कम हो गया था और वोट बैंक की राजनीति पर आधारित गठबंधन सरकारें बनने लगी थी। अब वोट बैंक का, यानी इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1950 के दशक में समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवासन ने किया था। जी हाँ, उनका नाम था M.N. श्रीनिवास। इसका मतलब है कि स्थानीय रूप से प्रभावशाली लोगों से राजनेता संपर्क करते हैं ताकि वो अपनी जाति या समुदाय के मतदाताओं को जुटा सकें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1960 के दशक से गैर कांग्रेसी दलों ने अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों का समर्थन लेकर जीतने लायक सामाजिक गठबंधन बनाने के लिए मुसलमानों को लामबंद करना शुरू कर दिया था।
देश में लगातार हुए दंगों के कारण उन्हें सफलता मिलने लगी। वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने अपने पक्ष में काम करने वाले मुस्लिम धर्म गुरुओं को अपने वोट बैंक के रूप में देखना शुरू कर दिया। दिल्ली के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी इस राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन गए। 80 का दशक आया जो मुस्लिम राजनीति में बड़े बदलाव का दशक था। एक तरह से ये इस्लामिक पुनरुत्थान का वक्त था। इस्लामिक पुनरुत्थान का वक्त इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूरे देश की राजनीति को इसने कई दशकों तक प्रभावित किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने शाबानों के पक्ष में फैसला सुनाया तो उससे तो मानो इस्लाम ही खतरे में आ गया था। माना गया कोर्ट उनके व्यक्तिगत कानूनों में दखल दे रहा है। पूरे देश में इस्लाम खतरे में है, इसके नारे गूंजने लगे। लाखों आम मुसलमान अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने नेताओं के साथ खड़े हो गए। नारे गूंज रहे थे कि अब इस्लाम खतरे में है। आपको बता दें कि दशकों से राजनेताओं और मीडिया में यह धारणा बनी हुई है कि मुस्लिम धर्म गुरु मुस्लिम वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। देश में होने वाले किसी भी चुनाव से पहले राजनीतिक दल और नेता मुस्लिम धर्म गुरुओं का समर्थन चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें उनके समुदाय के वोट दिला सकते हैं ये लोग। उलेमा जो सीधे राजनीति में आते हैं इस धारणा को और मजबूत कर देते हैं। मगर साल 2014 के बाद देश की राजनीति में कई बड़े बदलाव आए। मोदी के 10 साल के शासन ने केवल ये साफ कर दिया है कि भारत में मुसलमान नेतृत्व विहीन है। 2017 में मुस्लिम महिलाओं की तरफ से लड़ी गई 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई से लेकर 2019 में CAA विरोधी प्रदर्शनों तक, जिनका नेतृत्व दिल्ली के शाहीन बाग में आम मुस्लिम महिलाओं और युवा मुस्लिम छात्रों ने किया था, ये साफ करता है कि मुस्लिम समुदाय अब पहले की तरह राजनीतिक मार्गदर्शन के लिए उलेमा की तरफ नहीं देखता है। अब उनकी अपनी सोच है, अपना नजरिया है जो काफी हद तक बदल चुका है और नए भारत की ओर अब देख रहा है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।